तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज डे थ्री है और डे टू का जो व्लॉग है मैंने अपलोड कर दिया, बाकी भाई का काम है, वो करेंगे, थंबनेल एडिट वगैरह हो जाएगा। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, जो सुबह वाली क्लिप थी वो डिलीट हो गई। आलू वाला पराठा खाएंगे, फिर हम वापस अपनी नौकरी की तरह फिर से जाएंगे ट्रेनिंग। अब हम नाश्ता कर रहे हैं परोंठी वाला। क्यों दिवास, कैसा है नाश्ता? दही भी आ गया हमारा, अब हम खाना खाएंगे। तो गाइस, ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, पराठा खाया। कैसा था? ठीक था। अच्छा था, खाना मिल गया ना हमें सुबह का। कल की तरह मैगी तो नहीं ना खाई। और जो ये जो व्लॉग मेरा डिले हुआ है वो मेरे भाई की वजह से हुआ है, सीधा सीधा कसूर उनका। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, पहले वाले में साउंड की प्रॉब्लम हुई, दूसरे वाले में तो वोकल ही आगे पीछे हो गई। पर मैंने तो सही रेंडर की थी, पता है हमें बुलाया था 10:30 बजे, 10:20 हो गए हैं। तो अभी हम बस पहुँच ही जाएंगे अगर हमें लिफ्ट मिल गई। जा तो फुल सनरूफ वाली मिलेगी, जा तो पूरी पैक्ड गाड़ी मिलेगी हमको। तो गाइस, अब हम चल रहे हैं पैदल, फर्स्ट टाइम हमें कोई लिफ्ट देगा, पर नहीं आज एटीट्यूड में हम हाथ ही नहीं दे रहे यार। वो देख, ऐसे लग रहा है ना, कितना ग्रीन पानी है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये केल रेस में से निकलता ना, खाते हैं तो मैं पानी दिखाते हैं। देखो हरा भरा पानी, दिस इज अ व्यू। देखो कितनी शांति है, चलना हमने, लेट्स गो बड़ी। निकला हुआ पानी है नीचे, लगा इधर। आज हम पैदल जा रहे हैं, वो रहा हमारा पावर प्रोजेक्ट, वाह। और अभी हमें और भी चलना, दिवास गाड़ी का वेट करता हुआ। बगले यार, पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी आधा रह गया, वो जो दिख रहा है टावर वहां तक जाना है हमको। Let's go. दीवान लिफ्ट मांगेगा, अगर गाड़ी मिल गई तो बहुत सही। देखते हैं गाड़ी की लिफ्ट मिलती है कि नहीं। पहुंच तो गए हैं हम, लगभग 5-10 मिनट का रास्ता रहता हो, बट थोड़ी सी हेल्प तो हो ही जाएगी ना। अंदर डैम के अंदर भी तो चलना है हमको, मांग लिफ्ट। तो गाइस, दीवान की आंखें ख़राब है, इसने बोला बलैरो, हमें लगा वो वाले अंकल होंगे, स्कॉर्पियो है। तो अब वो भी लिफ्ट नहीं मिली हमको, अब वापस बहुत 10 मिनट, जो मैं बड़े आराम से बोल रहा हूँ 10-15 मिनट सारा ट्रैवल करना होता। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं बगलियार प्रोजेक्ट, वो भी पैदल चल के। ये वाला पुल का आपने शॉट देखा होगा, तब हम गाड़ी में थे, अब हम पैदल जा रहे हैं। हाँ, पर वो टेम्प्रेरी है ना, मुझे ये बता। वो देख, यही वाली लाइनें कह रहे थे ना हमारे पास, वो है बैकअप, कृष्णापुर जाती है। हाँ, इमरजेंसी में। अच्छा अच्छा, और जहाँ तो बैटरी से, बैटरी इमरजेंसी के लिए लगा देता होगा। तो गाइस, अब हम इस पुल को क्रॉस करते हुए और यहाँ से पानी। तो गाइस, अभी हम बैठे हैं, ऑन ड्यूटी है, क्योंकि हमें भी काम थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग का मजा भी आ रहा है, पर भूख भी लग रही है। ओए, ये बंद हो गया, बंद कर इसको साथ। जब ये हम लंच करने आए हैं, अभी खाएंगे थोड़ी मैगी और चाय वगैरह पियेंगे। और अंदर ट्रेनिंग में आपने देखा ही होगा, अभी क्लिप में था, तो वो ट्रिप हो गई थी, लाइट चल गई थी वहाँ पर, तो वो बैटरी पे कन्वर्ट कर दी थी उन्होंने, शिफ्ट कर दी थी, तो उस वजह से लाइट चली गई थी। हम परेशान हो गए, मेरे को और दिवान को रखा था उधर देखने के लिए कि क्या कर रहे हो। तो अभी हम खाना खुना खाने आए, अभी बर्खा भी हो रही है, मौसम भी सही हो गया। क्यों भैया, हो गया कैंट नहीं? चलो अभी खाते हैं भैया। तो गाइस, यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, और अभी हमने चाय और मैगी का ऑर्डर दिया है, मौसम का एंजॉय करेंगे। साथ में वापस जाना, हमने ट्रेनिंग में गाड़ी आ जाएगी हमको लेने। जैसे जैसे आप जहाँ जिस एरिया में रहना शुरू करते हो, वहाँ आपकी पहचान शुरू होती है, ठीक है ना, इसका फ़ायदा मिलता है। तो जहाँ भी रहना, वहाँ थोड़ी देर रहना। तो गाइस, बारिश पड़ चुकी है, बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा।
यहाँ नाला बन चुका है, नाला ओवरफ्लो हो गया। अब हमारा दिवाश क्या करता है सोच रहा है, दिवाश क्या करेगा, मैं तो चल ठीक है, मैंने एक वाटर टपला मैं पहुंच जाऊंगा। ये देख क्यों इधर आना, इधर से मारना छलांग, तो आराम से मारना, इधर तक मार ले, इधर तक तो जब मार सकता है। गाना लगाऊंगा उड़ता फिरू मैं, पहुंच गया ना, अब इधर बच्चों की तरह तेरे को लेना, इसमें रख, पहुंच गया, ऐसे ही डरता तू। मारे इधर नहर की जगह गटर वाली मुश्क होगी। पहले हम गाइस इधर पाँव डालते थे, आज नहीं डालने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो अभी अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय भी पी ली, मैगी भी खा ली और थोड़ा बहुत जो खाना था वो हमने खा लिया। अब हम थोड़ी देर रूम साफ़ करेंगे, कमरा साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद वापस जाएंगे हम डैम में, क्योंकि अब हमें सिटिंग जॉब मिल गई है ना दिमाग, है ना, समझने में टाइम लगा क्यों। आज सिर्फ फॉल्टी दिख रहे हैं हमारे, बैठे बैठे तुमने देखा होगा ऐसे जगदम पीछे से लाइट बंद, वही। अब वापस हम अपने कमरे में पहुंच चुके हैं, पखा लगाएंगे, आज नहीं मानता बाहर बांदर पहन के घूमेगा, चलो चलते हैं। तो गाइस अब वापस जाने लगे हैं हम डैम में, क्योंकि अब हमें गाड़ी का टाइम दिया था 3 बजे, 4 मिनट रहते हैं, और यहाँ पर गटर की मुश्क हो गई है, वो आ गया ना गटर वाला पानी, और मौसम बहुत सही हो गया भाई। तो मैं थोड़ा व्यू दिखा, देखो कितना सही मौसम हो गया। तो गाइस आपका भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है ऑफिस में बैठ के, बहुत सारे फॉल्ट आ गए हैं, वो करने गया इतना हमको आता नहीं है, पर ऑफिस में बिठा दिया इन्होंने, दिवाज गेम खेल रहा है के लिए मेरे को, हर एक को मैं कोई ना कोई कमेंट किया करो भाई, लगे रहो, हर दिन व्लॉग आना चाहिए, पर नहीं करता कोई कमेंट। जा रहा हूँ चाय पीने अकेले ही, क्योंकि दिवाज पीता ही नहीं है चाय, तो चाय पियेंगे, क्योंकि ऐसा मौसम भी बहुत सही सा हो गया, चाय पीना तो बनता है क्यों नहीं। मैं एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ कैसा मौसम हुआ हुआ, ये देखो है ना, वो देखो धुआं सा हुआ है, कितना सही लग रहा है। अकेले चाय पीने गया, आंटी ने कहा दूध ही ख़राब हो गया, कैसी किस्मत है भाई, ठंड लग रही थी, मैं सोचा चाय पियेंगे थोड़ी सी गर्माश आएगी, लेकिन अब वापस एक मिक्सचर खाई बस, अब घर वापस रूम में लेट जाएंगे, फिर डिनर करेंगे सीधे ही। खाना आ चुका है और अब वापस आज खाना कितने बजे खाने आए हैं, 7:42 पे हम खाना खाने आ गए हैं, और ज़्यादा आइसक्रीम खाने जाएंगे ठंड में। हाँ आइसक्रीम खाने जाएंगे ज़रूर, नहीं जुकाम नहीं लग रहा है, आइसक्रीम नहीं खा सकता मैं, तो खा सकता हूँ, मैं थोड़ा पीता हूँ चाय, हमने चाय ठंड के मौसम में ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा, क्यों गाइस, क्यों गाइस, जुकाम नहीं आया ठंडी में तो, नहीं देखो भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करती रहती है, तो गाइस आज दाल मूली की चटनी और फुलका, अभी हमारा ये खाना है, चाय भी मंगाई है हमने। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया, चाय भी पी ली, एनर्जी भी आ गई, तो आज हम बड़े दिनों बाद अपने पुराने रूट पे जा रहे हैं, और अब हमने अपनी डाइट प्लान चेंज करने के लिए अब कुछ सोचा है, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, अगर तो तुम्हें अभी सोचा ही है, देखते हैं कितने दिनों तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लंच खाने का हमारे पास टाइम नहीं होता, वेरी बिजी पर्सन, तो अब हम सोच रहे हैं कि अपनी डाइट चेंज कर दें, एक हेल्दी डाइट बनाएं, ठीक है ना, यहाँ से फिट हो के जाएंगे, घर जाके जिम स्टार्ट कर देंगे, हाँ बोलने में कह जाता है। तो लाइट यहाँ जा रही है आगे, गाइस अब हमारा डिनर डूनर भी हो गया, और हमने एक दिवाश ने एक आइसक्रीम खाई है, और हमने एक बहुत ही बेहतरीन सामान लाया डस्टबिन, जिसमें हम दिवाश को पैक करेंगे, हैं दिवाश क्यों नहीं। गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, आज हमने डस्टबिन भी लाया है, वो देखो डस्टबिन रखा, ये नहीं वो ये उंगली तेरी तरफ क्यों हो रही है, उड़ने वाली हो गई है, वो डस्टबिन भी लाया हमने, और अब आज का व्लॉग इतना ही रहा, इतना हमने ट्रैवल किया, आज पहली बार दिमाग गए ना, वो पूरा डैम तक आज हम पैदल गए, है ना, पैदल गए थे आए इसका राज ये है क्योंकि वो ढलान में था, तो बंदा इजीली जा सकता है,
अगर चढ़ाई चढ़ के आते आज व्लॉग नहीं अपलोड होता। हिम्मत होती नहीं। खाना भी खा लिया, चाय भी मिली, एनर्जी आ गई, अब हम मज़े से सो जाएंगे। फिलहाल व्लॉग एडिट करेंगे। कल का व्लॉग जो था, जो मतलब तुमने देख लिया है, वो लेट बाई की वजह से हुआ, क्योंकि अपलोड मैंने सुबह उठ के टाइमिंग पे कर दिया था, वो बाकी बाई कहीं बिजी था तो उस वजह से हो गया। कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूटी रखूँ, चाहे 50 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, पर ज़रूर देखना। और जो जो देख रहा है प्लीज़ अपना एक एक कमेंट किया करो, या तो हौसला दे दो या तो गफे दे दो, दोनों में से एक काम कर दिया करो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, जो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करो। वो नीचे रेड कलर का आता है ना सब्सक्राइब, उसको दबा दो, उसके साथ बेल भी आती है, बेल भी दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ज़िंदगी सिंपल ही चल रही है, पता नहीं नहीं चल रही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।